व्हाइट पेपर को लेकर टीएमसी नेता सौगत राय ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। सौगत राय ने कहा कि इसमें मनमोहन सरकार के अच्छे कार्यों का जिक्र नहीं किया गया है। इसके वरिष्ठ नेता सौगत राय इस वक्त हमारे साथ हैं। व्हाइट पेपर के जरिए सरकार बड़ा हमला बोल रही है विपक्ष पर। नहीं, कोई हमला बोलने का मौका नहीं है, क्योंकि ये अर्ध सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। यूपीए में जो अच्छा काम हुआ वो भी नहीं दिया, और उनका जो कामयाबी बोलते हैं वो भी कामयाबी नहीं पहुंचा। लेकिन अर्थव्यवस्था की चुनौतियां और जो खस्ताहाल इकोनॉमी मिली, ये जिक्र किया गया है व्हाइट पेपर में, और इसमें ये भी कहा गया है कि घोटाले जो हुए उसकी वजह से भी इकोनॉमी प्रभावित रही। घोटाले खराब था, लेकिन वो मेन इशू नहीं है। एनडीए गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसी गलत है, जो हम हाउस में बोलेंगे। और मनमोहन सरकार के कार्यकाल की तुलना करें तो क्या खास बातें आप कहेंगे उसमें? उसमें तो अच्छा काम हुआ, एनआरईजीए उस समय चालू हुआ, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट चालू हुआ, उसी समय नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चालू हुआ, ये सब तो मेंशन नहीं किया गया। गरीबों के लिए ये सरकार कुछ नहीं किया। धन्यवाद बात करने के लिए। और व्हाइट पेपर पर जिस तरीके से बहस छिड़ी हुई है, उस पर टीएमसी नेता सौगत राय भी बयान दे रहे थे, और मनमोहन इकोनॉमी के दौरान जिस तरीके से बदलाव हुए उनका जिक्र कर रहे थे। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।